हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सावन के महीने के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पिछले जो 25 तारीख अभी गई है, 25 जुलाई, इस महीने से, मतलब इस दिन से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। और हर साल जो सावन का महीना होता है वो आता ही है, मतलब एक महीने के लिए। और सावन महीने की खास बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा महीना होता है, हम बारिश का महीना होता है, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एक महीना होता है वो शिव जी का होता है, मतलब। और इस पूरे एक महीने के अंदर 4 सोमवार होते हैं, मतलब। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सावन महीने के महत्व के बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, और आपको बताएंगे भी कि आखिर सावन के महीने की खासियत क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज इस वीडियो को। तो दोस्तों, सावन का महीना जो होता है बेसिकली जुलाई और अगस्त के टाइम में ही, मतलब हर साल पड़ता है। और जो ये सावन का महीना होता है, एक महीने के, मतलब एक महीने के आसपास होता है। और ये जो पूरा पूरा महीना होता है दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। एक तो ये कि जो सावन का महीना होता है पूरा का पूरा शिव जी का महीना होता है। लोग इसमें जो 4 सोमवार आते हैं, मतलब चारों सोमवार लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पे शिव जी को दूध चढ़ाते हैं और उनकी पूजा पूजा करते हैं, मतलब। और कई लोग इसी सावन के महीने में जैसे कांवड़ की यात्रा करते हैं। और जो उनके भारत में बताया गया है कि उनके पूरे भारत में, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं, मतलब। तो उन 12 ज्योतिर्लिंग के लोग भ्रमण भी करते हैं, यानी वो तीर्थ स्थल है, मतलब। तो उनकी लोग यात्रा, मतलब वहाँ पे जाके उनके दर्शन भी करते हैं। और कहा जाता है कि अगर महिलाओं के लिए, और खासतौर पे कुंवारी लड़कियाँ हों या शादीशुदा लड़कियाँ हों, तो और कुंवारी लड़कियों के लिए कहा जाता है कि अगर जो भी लड़की अगर सच्चे मन से चार सोमवार जो सावन के होते हैं उनका व्रत रखती है, तो मतलब उनको, मतलब कहा गया है, हम मैंने महादेव भी देखा है, मतलब जैसे महादेव अच्छा, मतलब आता है, मतलब हॉटस्टार पे फ्री है, मतलब जो कोई भी जाकर जितने भी महादेव के, मतलब एपिसोड हैं वो फ्री में देख सकता है, मतलब। तो कहने का मतलब सावन महीने के बारे में यह बताया गया है कि सावन के महीने में जो 4 सोमवार आते हैं, और कोई भी कुंवारी लड़की अगर सच्चे मन से चारों सोमवार का व्रत रखती है तो उसे, मतलब कहा जाता है कि उसको अपने जीवन में मनचाहा वर भी मिलता है, मतलब जो उसका जीवन साथी होता है, जिसको, मतलब जिस सोच से वो चाहती होंगे, मतलब जैसे मुझे ऐसा वर मिले या वैसा, मतलब जो भी उनकी खासियत, मतलब जिस क्वालिटी वाले वो चाहती होंगे, मतलब वो उनको ऐसा मनचाहा वर मिलता है, मतलब ये कहा गया है। और वैसे तो एक और भी इससे कथा जुड़ी हुई है कि अगर कोई भी लेडीज, मतलब 16 सोमवार का व्रत रख लेती है, मतलब ये सावन से रिलेटेड नहीं है, बट इसमें भी एक कहा गया है महादेव में, मतलब कि जो भी लड़की, मतलब 16 सोमवार तक लगातार व्रत रखती है, मतलब, तो उसको भी मनचाहा वर प्राप्त होता है अपने जीवन के अंदर जब उसका शादी का समय आता है। तो दोस्तों, एक तो बात यह है कि मतलब कि आप जो भी कुंवारी स्त्री होती है उसको अगर वो लगातार 4 सोमवार का व्रत रखती है तो मतलब उनको अपना मनचाहा वर प्राप्त होता है, मतलब सावन के महीने में। और अगर कोई स्त्री, मतलब शादीशुदा स्त्री अपना व्रत रखती है सोमवार, मतलब 4 सोमवार, तो उनके जितने भी विशेष होते हैं, मतलब जो कामनाएं होती हैं वो उनकी पूरी होती हैं। वैसे तो हम शिव जी कोई भी सच्चे मन से, मतलब कोई भी विश करते हैं, इच्छा करते हैं तो हमारी जरूर पूरी करते हैं, मतलब। तो ये हमारी एक अलग विशेषता है कि पूरा का पूरा महीना जो होता है ये शिव जी पे बेस्ड होता है, महादेव जी पे बेस्ड होता है। और लोग इसी इन्हीं, मतलब 30 दिनों में, मतलब पूरा का पूरा महीना जो होता है, लोग अलग अलग स्थानों पर जो शिव जी के तीर्थ स्थल पर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और व्रत वगैरह रखते हैं। और काफी अच्छा महीना होता है, मतलब हिंदू शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि पूरा पूरा महीना जो होता है वो शिव जी के उसे बेस्ड होता है, मतलब। और दूसरी खास बात यह है कि इसी महीने में हमारा जो, मतलब जैसे इंडिया के अंदर मॉनसून के आने का भी टाइम हो जाता है। जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो एक उसमें से एक जो मॉनसून होता है वो होता है वर्षा का, मतलब वर्षा का भी मॉनसून होता है। तो भारत में, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जो नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर जो मॉनसून होता है बेसिकली जून के एंड में आ जाता है। बट जून के एंड में आने के बाद जब
और क्योंकि जुलाई और अगस्त में सावन का महीना छठ रहता है, तो कहा जाता है कि जो पूरा सावन का महीना होता है, सावन भाद्रपद भी बोलते हैं, तो जो पहला होता है हमारा सावन का एक महीना, उस पूरे महीने में पूरे जो नॉर्थ इंडिया होता है, या नॉर्थ इंडिया में मतलब और सभी जगहों पर ज़्यादातर मतलब बहुत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह बारिश देखा जाता है, मतलब चाहे वो गांव को ले लो चाहे शहर को ले लो, हर जगह काफ़ी वर्षा होती है। और इससे वर्षा होने से एक तो हमारे चारों तरफ की जो हरियाली होती है, जो ग्रीनरी होती है, और ज़्यादा हमें अच्छी दिखने लगती है, हर चीज़ में हमें फ्रेशनेस दिखने लगती है, क्योंकि जो काफ़ी टाइम है मतलब यही ऐसा टाइम होता है सावन का जो महीना होता है, फिर सावन के महीने में ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन जब भाद्रपद भी आता है, मतलब उसको हम भादो बोल सावन भादो बोलते हैं, तो भाद्रपद के महीने में भी वर्षा होती है, लेकिन सावन के महीने में ज़्यादा वर्षा होती है मतलब। तो इसके कारण जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं या पार्क वगैरह होते हैं या बगीचा होता है, या जब हम रास्ते में ऑफिस जाते हैं तो हमारे हमें रास्ते में कई सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, साइड में लगे हुए, किनारे पर लगे हुए, पार्कों में लगे हुए, तो क्या कहा जाता है कि जो उनको मतलब जल की जो उनकी नीड होती है, मतलब जो उनकी प्यास होती है, मतलब काफ़ी टाइम से, क्योंकि बेसिकली हम अपने घर में प्लांट्स लगा लेते हैं तो उनको हम पौधे पानी दे देते हैं, या आसपास कुछ जगहों पर हम पानी दे सकते हैं, बट जो जो बड़े लेवल्स पर जो जो जगह है, मतलब जैसे पार्क हो गया, बगीचा हो गया, मतलब या कहीं कहीं पर रियल जगहों पर पेड़ होते हैं, वहाँ पर मतलब मुश्किल से लोग भी आते जाते कम होंगे, तो वहाँ पे उनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो सावन का महीना ही ऐसा होता है कि जब इतनी बारिश हो जाती है कि वो अपना जो एक स्टॉक होता है, मतलब जमीन में जो पानी का स्टॉक होता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, और जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो मतलब वो उन पेड़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, और लाभदायक होने के साथ ही वो फिर उस पानी का उपयोग अपने लिए करते हैं मतलब। तो सावन का महीने के कारण ही मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब और बाग बगीचे में जो हरियाली होती है, और ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है, और ज़्यादा हरी भरी दिखने लगती है, हमें चारों तरफ मतलब एक फ्रेशनेस दिखने लगती है मतलब, क्योंकि जो कई सारी घासें वगैरह पार्क में सूख जाती हैं, बगीचे में सूख जाती हैं, मतलब कुछ पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं मतलब कई जगहों पर उनको, और कई अधमेरे भी हो चुके होते हैं, तो इन बारिश का मौसम होने सावन के महीने में वो फिर से खिल उठते हैं, फिर से जी उठते हैं एक महीने के अंदर, वो पूरे के पूरे उनको एक ताजगी सी उनको मिलने लगती है, और उन पेड़ पौधों को महसूस होने लगती है। तो सावन का महीना जो होता है वो मतलब एक कहा जाता है कि मतलब एक धार्मिक महीना होने के साथ साथ एक मानसून का महीना भी होता है, और इसमें हमें चारों तरफ एक फ्रेशनेस फीलिंग होती है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें मतलब हमें खुशी फील होती है, क्योंकि ये 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जब हमें बारिश का अनुभव होता है, बारिश को देख के हमें मज़ा आता है, मतलब बारिश में नहाने का मन करता है, और बारिश में हम नहाते भी हैं मतलब, क्योंकि उसके अलावा काफ़ी गर्मी पड़ती है, अप्रैल से लेके जो जून की मतलब एंड तक काफ़ी गर्मी पड़ती है, जिससे लोग काफ़ी बेहाल हो जाते हैं, जगह जगहों पर जाकर मतलब जो पानी पीने की मतलब प्यास हो जाने की चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया, पानी की बोतलें लेके घूमते हैं मतलब, तो राहत नहीं मिलती है। लेकिन आफ्टर जून के बाद ही जब बारिश मानसून आता है मतलब हमारे देश के अंदर, तो इसके द्वारा ही हमारे चारों तरफ जो एक कहते हैं मतलब सूखापन सा पड़ गया होता है, पेड़ पौधे मुरझा गए होते हैं कई जगहों पर, उनको एक नया जीवनदान मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है सावन का महीने आने से, और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने से भी ये हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसको भी काफ़ी इससे मदद मिलती है मतलब बारिश होने से सावन के महीने में। तो बारिश बारिश से मतलब जो बारिश होता है उससे भी काफ़ी हमारे मतलब पेड़ पौधों को मदद मिलती ही, और साथ में हमारा जो सावन का महीना होता है वो एक धार्मिक महीना भी होता है। तो ये सावन महीने के 2 सबसे ज़्यादा खासियत है कि ये शिव जी का महीना है सावन का महीना, और पूरा महीना लोग कांवड़ की यात्रा भी करते हैं, मतलब अमरनाथ मंदिर जाते हैं और दूर दूर जगह तो यात्रा करते हैं, वापस आते हैं, और पूरे महीना शिव जी का पूजा अर्चना होता है मतलब। और दूसरी बात, सावन के महीने में मानसून आ जाता है हमारे देश के अंदर मतलब, और हर जगह बारिश होती है, हर जगह हमें एक फ्रेशनेस फीलिंग होती है मतलब। तो आशा करता हूँ कि मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी शायद
सोचते होंगे कि हम कब कब हमें बारिश में मतलब हमें बाहर का नज़ारा मतलब बूंदों को देखना, और जब छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे नाव बना के भी अगर गली के अंदर से पानी बह रहा होता है, नाले के अंदर से पानी बह रहा होता है, तो उस पर हम बचपनों में वो जहाज बनाकर, अगर आपको याद होगा तो मैं, लेकिन मैंने तो अपने बचपन में किया है, तो नाव बनाकर हम अपने दोस्तों के साथ मतलब वो पानियों में छोड़ दिया करते थे, तो पानी जैसे जैसे फ्लो करके आगे बढ़ता था, बचपन की यादें हैं मतलब, और वो नाव भी उसमें फ्लो करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ निकल जाता था, तो ये और काफी देखने में अच्छा लगता था। और हम रेस भी करते थे आपस में कि मतलब किसकी नाव कितने आगे जल्दी पहुंचती है मतलब। तो बचपन में हम जब बारिश का, और हर जैसे हमारा बचपना था वैसे आने वाले जो जनरेशन है या जो आजकल के छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी काफी मजा आता है बारिश के महीने में बाहर नहाने में, और बूंदों को देखना मतलब बारिश आसमान से बूंदों का टपकना, फिर नीचे जो वाटर फैला हुआ होता है फर्श पे, गली में या कहीं पे बर्तन के अंदर, तो वो जो एक फीलिंग होती है, खुशी होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है बारिश के महीने में मतलब, जो हमें देखने को मिलती है। तो बारिश का अपना एक अलग ही महत्व है, और ये बारिश का होना भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही हमारे वाटर वाटर साइकिल को पूरा मेंटेन करता है बारिश मतलब। तो बारिश का होना बहुत जरूरी है, और साथ में जैसे हमने बात भी की सावन के महीने की, तो यह था दोस्तों कुछ जानकारियां जो सावन महीने से रिलेटेड थी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।